नमस्ते साथियों, आज इस नए सेशन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के मैं आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ। जैसा कि अभी जो कोरोना पेंडेमिक का जो सेकंड वेव अभी चल रही है, और इस वेव के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इस समय लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है ऑक्सीजन की कमी का। और इस ऑक्सीजन की कमी से ही कई दूसरी चीज़ें भी दूसरे पहलू भी इसमें सामने आने लगे हैं। जैसे कि अब हमें पौधारोपण की और वृक्षारोपण की इम्पोर्टेंस का भी पता लगने लगा है, और ऐसी आवाज़ें भी उठने लगी है कि जो भी कोई पेशेंट ठीक होता है तो वो कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए और उसको उसके परिपक्व होने तक उसको पाले, अच्छे से उसकी मेंटेन करें उस पेड़ को। तो इसी संदर्भ में एक अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक मैसेज देखने में आ रहा है जिसमें लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दावा जो किया जाता है वो कुछ पौधों को लेकर किया जाता है। अब उसमें ये कहा जाता है कि फलां पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, या फलां पौधे जो हैं वो लगातार दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं तो वो प्लांट लगाएं और वो करें। तो इस को एक वनस्पति शास्त्री होने के या एक बॉटनिस्ट होने के नाते मेरा ये मन हुआ कि मैं इसके गहराई में जाऊं, इसके तथ्य की, और आपके साथ उसको शेयर करूं। वैसे देखा जाए तो पौधों का और हमारे पूरे जो ब्रह्मांड में जो ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन की आपूर्ति, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो हमारे पेड़ पौधे ही हमारे को उसकी आपूर्ति करते हैं। पेड़ों से ही हमें ये प्राणवायु मिलती है, और इसका देखा जाए तो इतिहास भी बहुत पुराना है। जब सबसे पहले करीबन 1770 बहत्तर बहत्तर के अंदर जो है जोसेफ प्रीस्टले ने सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन की खोज की थी, और उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक चूहे को और एक उसको गमले को रखा गया था बेलजार के अंदर। उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये सिद्ध भी किया था कि भी पौधे जो है वायु को शुद्ध करते हैं। उसके बाद में बहुत से वैज्ञानिक आए, जैसे इंजन हाउस आया एक 1779 में, उन्होंने ये जिक्र किया कि जो वायु को शुद्ध करने के लिए जो है पौधों को प्रकाश भी ज़रूरी है, मतलब प्रकाश की इम्पोर्टेंस अब आने लगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि पौधे किस तरह से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि 24 घंटे कोई पौधा जो है ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें कम से कम इस कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते कैसे हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको ये ऐतिहासिक तथ्य के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे उसके बाद में इंजन हाउस था, उसके बाद में जीन सेनेबियर एक साइंटिस्ट था, फिलोसफर था, जो 1782 से 88 के बीच में उसने ये बताया था कि ऑक्सीजन के निष्कासन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। अब ये देखो आज 2021 चल रहा है और ये 1780-82 की बात कर रहा हूँ, करीबन मैं ये 250 साल पुरानी जो है ये खोजें थी उस समय, 250 साल पहले उन लोगों ने इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद में 1804 के अंदर डी सोसुरो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि पौधे जो हैं दो तरह की गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अभी तक भी ऑक्सीजन का ये नहीं आया था कि भाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से उसमें आदान प्रदान हो रहा है, यही कहा गया कि पौधों में दो तरह की गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। उसके बाद में रॉबर्ट मेयर आए, रॉबर्ट मेयर थे 1848 में, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा सन है, सूरज है, वही एनर्जी सबसे ज़्यादा उसी से हमारे को मिल रही है, और यही अपनी लाइट एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी के अंदर बदलता है, और वो कैसे बदलता है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद में ब्लैकमैन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र किया, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक फोटोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब प्रकाश रसायनी और जैव रसायनी क्रिया है जिसके अंदर फोटोकेमिकल जो है रिएक्शंस फास्ट होती हैं और बायोकेमिकल स्लो होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हम जिस ऑक्सीजन की चर्चा कर रहे हैं वो ऑक्सीजन एक्चुअल में इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना हमारे को बहुत ज़रूरी हो जाता है।
फिर उसके बाद में विल स्टॉटर स्टॉल जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1913 से 18 के बीच में क्लोरोफिल की खोज की, और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में उन्होंने ये देखा कि भाई कैसे इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस इसमें कैसे हो पाता है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो जो खोज हुई है वो 1937 के अंदर हुई है, जो रॉबर्ट हिल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिल रिएक्शन दी एक, मतलब उन्होंने एक रिएक्शन दी जिसका नाम ही हिल रिएक्शन के नाम से फेमस हुआ। ये हिल रिएक्शन ही है जो हमारे को ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, जो या ऑक्सीजन जो हमारे को हमारे वातावरण में आ रही है वो इस हिल रिएक्शन का ही परिणाम है। तो 1937 में रॉबर्ट हिल ने बताया, देखो क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर किसी क्लोरोप्लास्ट को हम आइसोलेट कर लें, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली में उन्होंने क्लोरेल एल्गी वगैरह पे उन्होंने काम किया था, तो उस आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि अगर सूर्य के प्रकाश में कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जैसे उन्होंने तो उस समय पोटेशियम फेरोक्सिलेट लिया था, कि अगर सूर्य के प्रकाश में कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर की अगर मौजूदगी के अंदर मतलब जो है ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि ऑक्सीजन निकालता है, और ये ऑक्सीजन क्यों निकलती है कि उस प्रकाश की उपस्थिति में ये पानी के अणुओं को तोड़ देता है। पानी के अणु का मॉलिक्यूलर एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो H2O को तोड़ना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है, फोटोलाइसिस या प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन बोला जाता है, कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा अगर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर वहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डोनर वहाँ मौजूद है, तो उसकी प्रेजेंस में ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पानी को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है, तो इसको जल का प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। ये बड़ा आसान क्रिया नहीं है, ये देखा जाए भाई हम सोचें कि भाई धूप के अंदर हम बाल्टी को रख दें और उस पानी से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही पॉसिबल है, जो रॉबर्ट हिल ने 1937 में बताया, और इसका बाद में पुष्टि भी की। पुष्टि किसने की, रूबन और कॉमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1941 के अंदर ट्रेसर टेक्निक से फिर इसको प्रूव किया। ट्रेसर टेक्निक में उन्होंने आइसोटोपिक जो है ऑक्सीजन उसमें डाली, और ये भी उसमें पता लगा कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण में, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रही बल्कि पानी के अणुओं से निकल रही है, वाटर मॉलिक्यूल से वो निकल रही है, तो सोर्स जो ऑक्सीजन का सोर्स उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को ही बताया। इसके बाद तो बहुत वैज्ञानिकों ने फिर उसकी बहुत डिटेल में गए, जैसे कैलिन थे, पार्क, पॉन, इमर्शन, रॉबिनोविच, मेयर्स थे, जॉनसन थे, फ्रैंक थे, आनंद थे, रॉबिनोविच थे, गोविंद जी, भारतीय एक वैज्ञानिक गोविंद जी थे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। तो कहने का मतलब है कि इसकी गहराई में जाने के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, रॉबर्ट हिल की हिल रिएक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक क्रिया है जिसके द्वारा इस ऑक्सीजन को पौधे वायुमंडल में छोड़ते हैं। जबकि पौधों का एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट्स जो हैं अपने क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उनके अंदर जो हरित लवक होता है, पत्तियों के हरी पत्तियाँ जो होती हैं उनका हरित लवक है, वो हरित लवक पानी की मदद से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से और मिनरल्स की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है और अपने ग्लूकोज का निर्माण करता है। पौधा तो बना तो एक्चुअल में क्या रहा है, अपना फूड बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन तो एज ए बाय प्रोडक्ट निकलती है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट इस पूरी दुनिया को चला रहा है। ये ऑक्सीजन पूरी दुनिया को जो मिल रही है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, एक उप उत्पाद है, मुख्य उत्पाद नहीं है। मुख्य उत्पाद तो पौधे का क्या है, उनका भोजन है, ग्लूकोज है, शर्करा है, ये ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट उसके अंदर निकल रही है। तो इसके लिए अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पौधे जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान करते हैं ये किसके द्वारा करते हैं, ये किस माध्यम से करते हैं, ये भी हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम बाद में चर्चा करेंगे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है या जिस पर लोग दावा कर रहे हैं उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये गैसों का आदान प्रदान पौधों में पत्तियों के ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म छिद्र जो हैं स्टोमेटा कहलाते हैं, उन स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये स्टोमेटा की संख्या कितनी होती है, जैसे लीफ या पत्ती जो है, पत्ती का 1 cm² का जो एरिया है उसमें 1000 स्टोमेटा से लेके 1,00,000 स्टोमेटा तक मौजूद हो सकते हैं, इतने सूक्ष्म वो छिद्र होते हैं। तो इन स्टोमेटा के माध्यम से ही इन गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है।
तो ये अब इसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में चर्चा है, तो मैं इसके बारे में और आपको थोड़ी सी और इसमें बताता हूँ। तो इसमें स्टोमेटा भी जो है, देखो स्टोमेटा वैसे दो तरह के प्लांट हैं स्टोमेटा के आधार पर। अगर मैं बताऊँ, एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हम स्थल पर जो मुख्य प्लांट देखते हैं, जैसे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो बड़े वृक्ष हैं या छोटे वृक्ष हैं या फसल वाले जो पौधे हैं, ये एंजियोस्पर्म्स में हैं। तो एंजियोस्पर्म भी दो तरह के हैं, एक तो डाइकोट्स होते हैं और एक मोनोकोट्स होते हैं। डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री और मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री। बीजपत्र उनके बीज के अंदर जो उसके अंदर कोटिलीडन्स होते हैं, उनके आधार पर इनको कहा जाता है। तो डाइकोट की लीफ जो पत्ती है उस पर स्टोमेटा का क्रम अलग होता है, मोनोकोट की लीफ का स्टोमेटा का क्रम अलग होता है। डाइकोट में दो लीफ की दो सतह होती हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, ये पत्ती समझ लो। तो डाइकोट में क्या है, एक सरफेस तो पत्ती की डार्क होती है और दूसरी सरफेस लाइट कलर की होती है। तो जो डार्क सरफेस है ये अपर एपिडर्मिस होती है और लाइट सरफेस है ये लोअर एपिडर्मिस होती है। तो डाइकोट के इसलिए इस पत्ती को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि इसकी दो सरफेस हैं, डोर्सल और वेंट्रल, मतलब पृष्ठाधारीपण हिंदी में इसको बोलते हैं, या बाईफेशियल लीफ भी बोलते हैं, दो फेस होते हैं इसलिए बाईफेशियल लीफ भी बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो इसकी डार्क सरफेस है ये सूरज की तरफ होती है और इस सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है, इसलिए इसके ऊपर स्टोमेटा की संख्या भी कम होती है या अमूमन नहीं होती है, एबसेंट होती है, जबकि लोअर सरफेस पर इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। जबकि मोनोकोट की जो लीफ है उसमें उसकी दोनों सतहें जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड होती है जिससे सूर्य का प्रकाश दोनों सतह पर बराबर मात्रा में पड़े, तो इसलिए उसकी दोनों सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसलिए उसको आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं, समद्विपार्श्विपण बोला जाता है मोनोकोट की। तो इसमें स्टोमेटा की संख्या भी के आधार पर भी प्लांट्स के कुछ ग्रुप कर रखे हैं। जैसे एक ग्रुप तो है जिसको हम जनरली कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब जब स्टोमेटा सिर्फ नीचे की सरफेस पर मिले, पत्ती के ऊपरी सतह पर नहीं मिले। तो जैसे सेब के अंदर है, एप्पल में है, मालबेरी में है, वॉलनट के अंदर है, उसके अंदर सिर्फ लोअर सरफेस पर स्टोमेटा मिलते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं पोटैटो टाइप के, तो उसमें एम्फीस्टोमेटिक उसको कहते हैं। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब दोनों सतह पर उसमें स्टोमेटा मिले उसके अंदर, जैसे आलू, गोभी, टमाटर, मटर, इन पौधों में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपर सरफेस पर जो है स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा इसमें ज़्यादा होते हैं। तीसरे टाइप के इसमें होते हैं ओट टाइप। ओट टाइप में वो भी एम्फीस्टोमेटिक होता है, लेकिन उसमें दोनों सतह पर जो है स्टोमेटा बराबर होते हैं उन पौधों के अंदर, जैसे ग्रासेस के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको, या जितने भी फसली पौधे हैं जनरली उनके अंदर ये दोनों सतह पर स्टोमेटा होते हैं। इसी तरह से वाइल्ड लिली टाइप जो है स्टोमेटा भी होते हैं, जिसको जिसमें सिर्फ अपर सरफेस पर ही एपिस्टोमेटिक बोलते हैं, सिर्फ अपर सरफेस पर ही उसमें स्टोमेटा होता है, लोअर सरफेस पर उसमें स्टोमेटा नहीं होते। जैसे पानी के अंदर जो पौधे मिलते हैं जिनकी पत्तियाँ तैर रही होती हैं पानी, तो पानी के जो टच में सरफेस होती है उसमें तो स्टोमेटा नहीं होते और ऊपर की सरफेस पर उसमें स्टोमेटा होते हैं, तो जैसे निम्फिया के अंदर होते हैं। इसी तरह से पोटोमेजिटोन टाइप होते हैं। पोटोमेजिटोन भी एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, वो एस्टोमेटिक है क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जितने भी डूबे हुए हाइड्रोफाइट हैं क्योंकि उसमें पूरी सरफेस ही पानी के टच में है लीफ की, तो वहाँ स्टोमेटा आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट्स हैं, बड़े पेड़ हैं, जैसे आप बड़े नीम है, पीपल है, या बरगद है, या आपके सरेस है, या कीकर है, या खेजड़ी है, या जितने भी बड़े ट्रीज़ हैं आपके, वो सभी बड़े ट्रीज़ जो हैं ये डाइकोट्स हैं, द्विबीजपत्री हैं, और इनमें जनरली आपको डॉर्सी वेंट्रल लीफ आपको इसमें मिलेंगी। लेमिना बड़ा मिलेगा इसके अंदर, लीफ की पत्ती जो है चौड़ी मिलेगी, जैसे पीपल है, बरगद है, उसके अंदर लीफ की पत्ती बहुत चौड़ी होती है और उसमें दो सरफेस आपको क्लियर आपको नज़र आएंगी, एक डार्क और एक डार्क जो डोर्सल है और लाइट कलर की जो वेंट्रल सरफेस की वो है, वेंट्रल सरफेस है जो लोअर एपिडर्मिस। अब इसमें स्टोमेटा कुछ प्लांट्स के अंदर ये भी होता है कि कुछ पौधों में स्टोमेटा का खुलने का और बंद होने का समय भी अलग अलग होता है, इसके आधार पर भी प्लांट्स का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जैसे अल्फा अल्फा टाइप के, अल्फा अल्फा टाइप के जो स्टोमेटा है उसमें दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ऐसे ही होता है, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा दिन में खुलेंगे और रात को बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म ऐसी होती है। दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं रक्षा कोशिकाएं, जिनकी जो गार्ड सेल्स बंद करती हैं स्टोमेटा को,
तो वो फोटोसिंथेसिस होने से उसमें शुगर बनती है, शुगर बनने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से उसके अंदर उस वो टर्जिट हो जाती है, पानी अंदर आ जाएगा, पानी अंदर आने से वो फूल जाएगी, फूलने से स्टोमेटा दिन में खुल जाएगा, जबकि रात के समय ये क्रिया उल्टी होती है और इससे वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो जनरली प्लांट्स के अंदर दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात को बंद होते हैं, जैसे मटर सरसों ये तो बहुत ये अल्फा अल्फा टाइप में आते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे पोटैटो टाइप है, पोटैटो टाइप में क्या होता है, जैसे लहसुन है, प्याज है, गोभी है, इनके अंदर क्या होता है कि शाम को स्टोमेटा कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, तो वो रात को भी ओपन हो जाते हैं और दिन में भी, लेकिन कुछ घंटों के लिए ज़रूर इसमें बंद होते हैं शाम के टाइम में। इसी तरह से बार्ले टाइप है, बार्ले टाइप के स्टोमेटा क्या होते हैं, बार्ले टाइप में ये जो स्टोमेटा है दिन में कुछ घंटे के लिए ही खुलते हैं, जैसे बार्ले है या दूसरी जितनी भी दालें हैं, सीरियल्स हैं, तो उन सीरियल्स के अंदर ये स्टोमेटा कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, बाकी अदरवाइज बंद ही रहते हैं इसके अंदर बार्ले टाइप में। चौथी टाइप है इसके अंदर आपके इक्विसिटम टाइप, इक्विसिटम वैसे तो टाइडोफाइट है, तो उस इक्विसिटम टाइप के अंदर क्या होता है कि ऑल ये स्टोमेटा हमेशा खुले ही रहते हैं, कभी बंद ही नहीं होते इसके अंदर। और पांचवी जो टाइप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, वो है सकुलेंट्स की। सकुलेंट्स किन को कहा जाता है, मांसलोदभिद, मांसलोदभिद या सकुलेंट प्लांट कौन से हैं, ये प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे आपके नागफनी है या एलोय है, ग्वारपाठा वगैरह है, अगेव है, या आपके जितने भी लिली, ये लिलीसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं आपके, जिनकी थिक लीव्स होती हैं, मांसल लीफ होती हैं जिनके अंदर, क्योंकि ये डेजर्ट के अंदर मिलते हैं प्लांट्स, इनको पानी को स्टोर करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप होती है, इनमें म्यूसिलेज होता ज़्यादा, ताकि ये विपरीत ड्रॉट कंडीशंस के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर सके। जब पूरे डेजर्ट के अंदर आपको कोई प्लांट नज़र नहीं आएगा, तो आपको ये सकुलेंट्स अवश्य वहाँ पर नज़र आएंगे। तो इन सकुलेंट्स के अंदर क्योंकि ये कहाँ लग रहे हैं, डेजर्ट के अंदर लग रहे हैं या जीरिक कंडीशन में लग रहे हैं, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर लग रहे हैं, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पर भी ये पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट को इनको कम करना पड़ता है, या इनके पानी की रिक्वायरमेंट को इनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये या तो ये इसमें कुछ पौधों में लीफ झड़ जाएगी, उसके स्पाइन बन जाएंगे, या ये अपने स्टेम को जो है लीफ की तरह चपटा कर लेते हैं, जैसे नागफनी के अंदर होता है, फिलोड्स बन जाते हैं, फिलोक्लेट्स बन जाते हैं, क्लेडोड्स बन जाते हैं। तो ये सारी एडेप्टेशंस हैं, ये अनुकूलनता है जो वातावरण के हिसाब से ये अडेप्ट करते हैं। तो ये सकुलेंट्स में एक खासियत क्या होती है, पानी को बचाने के लिए इनके अंदर स्टोमेटा दिन में तो बंद रहते हैं और रात को खुलते हैं इसके अंदर, क्योंकि रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये जितनी भी गैसेस एक्सचेंज है या जितना भी इनको लेन देन है वाटर वेपर्स का या जो भी है, तो वो ज़्यादातर रात के समय ही होता है, ताकि इनमें वाटर का लॉस कम से कम हो। नेचर ने इनको सर्वाइव करने के लिए कितनी अच्छी अनुकूलनता इनको प्रदान की है। तो ये जैसे रेप्टाइल्स हैं, एनिमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर भी इसी तरह की क्रिया देखने को मिलती है, ये जो एक्सक्रीशन इनका यूरिक एसिड के रूप में होता है जनरली, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। तो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं इसलिए आना चाहता हूँ सकुलेंट्स का, क्योंकि कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि ये जो सकुलेंट्स हैं, ये सकुलेंट्स रात को ऑक्सीजन देते हैं, और क्योंकि इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं। ये मैं अभी विस्तार से इसकी चर्चा करूँगा, मैं आपको इसमें कुछ बुक्स की रेफरेंस भी आपको इसमें दूंगा, और वो बुक्स दिखा भी रहा हूँ मैं अभी आपको कि कौन सा वैज्ञानिक क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो ये सकुलेंट्स प्लांट्स जो हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एक मैकेनिज्म भी अलग है, फोटोसिंथेसिस की भी कई मैकेनिज्म है। तो इसकी सकुलेंट के अंदर जो मैकेनिज्म होती है उसको कैम बोलते हैं, कैम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कैम का मतलब क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, वो भी मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं बताऊं कि रॉबर्ट हिल के बारे में बता रहा था, हिल रिएक्शन के बारे में। तो इसमें देखिए, अब फोटोसिंथेसिस जो है, अब प्रकाश, क्योंकि ये ऑक्सीजन का मसला है कि ऑक्सीजन कैसे निकली, या ऑक्सीजन का निकलने का तरीका क्या है, क्यों, कब निकलती है, कैसे निकलती है, तो इसी के बारे में मैं प्रकाश संश्लेषण में बता रहा हूँ आपको कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर शब्द जुड़ा हुआ है फोटो और सिंथेसिस, प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में ही यह संश्लेषण की क्रिया होती है, बिना प्रकाश के ये संश्लेषण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑक्सीजन के निकलने के लिए फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है, प्रकाश की उपस्थिति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रकाश का इसमें लेन देन है और प्रकाश की अनुपस्थिति भी है, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
तो प्रकाश संश्लेषण को लाइट रिएक्शन में भी डिवाइड किया गया और डार्क रिएक्शन के अंदर भी डिवाइड किया गया है कि वो क्रियाएं जो प्रकाश में होती हैं और वो क्रियाएं जिनको होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो बिना प्रकाश की आवश्यकता में जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं हो रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और लाइट रिएक्शन उसके अंदर भी दो तरह के पिगमेंट सिस्टम बताए गए हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं पिगमेंट सिस्टम, जिसको पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दो बोलते हैं। तो ये पिगमेंट सिस्टम ये इस किस आधार पर है कि पौधे के अंदर कौन से पिगमेंट इसमें काम कर रहे हैं। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पिगमेंट अलग हैं, पिगमेंट पीएस सेकंड के जो पिगमेंट्स हैं वो अलग हैं। और ये अलग कौन से हैं, जैसे कैरोटेनॉइड्स हैं, या क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल पी 700 है, जैंथोफिल्स हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स हैं। तो इनके आधार पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है और कब निकल रही है प्रकाश संश्लेषण में। तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर भी जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो रॉबर्ट हिल ने जो जल के प्रकाशिक अपघटन के बारे में बताया था, ये पीएस सेकंड के अंदर ही होता है। पीएस सेकंड में मैंगनीज और क्लोराइड आयंस जो होते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर पानी का प्रकाशिक जल अपघटन होता है, और उस प्रकाशिक जल अपघटन से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन को मैं आपको इस तरह से आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको देखिए इसके लिए जो मुख्य किताबें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, जो जिस रेफरेंस से मैं अपने बात करेंगे, जिसमें पहली बुक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लांट फिजियोलॉजी की तेज एंड जैगर। ये हम बच्चों को पीजी में हम इसको पढ़ते पढ़ाते हैं, पीजी के बच्चों के लिए है जनरली, फिजियोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया हम इसको मानते हैं। तो एक तो मैं इसके रेफरेंस में आपको जिक्र करूँगा, देखिए इसके अंदर ये जो लिंकन तेज हैं, ये यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ये बुक है और जो है पनीमा पब्लिकेशंस का है। और ये मैं आपको इसमें इसके अंदर से आपको मैं कुछ आपको बताऊँगा। और दूसरी बुक जो यदि हम प्रकाश संश्लेषण का मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करने के लिए मैं आपको जिस बुक्स के अपने डिस्कशन करेंगे वो ये है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ये है बुकनन एंड ग्रूसम एंड जॉन्स की। इस बुक के अंदर ये भी जो है आईके पब्लिकेशन की बुक है ये, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से है। इस बुक के अंदर भी मैं आपको इसका कुछ रेफरेंस दूंगा, ताकि हम इस मसले पर, क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है, मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो देखी हैं जिसमें अनर्गल बातें की गई हैं बिल्कुल ही, कि ये ऐसे होता है जी, ये 24 घंटे देता रहते हैं ऑक्सीजन देते रहते हैं प्लांट्स के अंदर, तो घर में ये लगाओ और वो लगाओ, वो मत करो ये मत करो, तो वो नहीं है। हमारी देखो कुछ पौधों के साथ हमारी धार्मिक आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, वो धार्मिक आस्थाएँ अलग चीज़ है। वो धार्मिक आस्थाएँ भी हमारे जो पूर्वजों ने जोड़ी हैं वो बहुत अच्छी वजह से जोड़ी हैं, ताकि हम उन पौधों का संरक्षण करें, पौधों को प्रोटेक्ट करें, हम उसको उन पौधों को हम पूजें, जिससे कि हम उसको किसी भी स्थिति में उनको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन ऑक्सीजन निकलना नहीं निकलना उसको हम साइंटिफिक तरीके से, या मैं बॉटनी के लिहाज से मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ वो अब मैं इन बुक्स के रेफरेंस से आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण की यदि हम समीकरण की बात करें, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इस तरह से लिखी जाती है, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, 12 पानी के मॉलिक्यूल्स, और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस जिसमें ये ग्लूकोज बन रहा है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। यही वो ऑक्सीजन है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारे को हमारे प्राणवायु के रूप में जो काम आ रही है। तो ये कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाली हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति, प्रकाश, और पौधे के अंदर क्लोरोफिल कितनी मात्रा में मौजूद है वो। ये चारों चीज़ें इस ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालने में, इसमें इनका भी फ्लक्चुएशन जो है वो इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप में, मुख्य उत्पाद तो ये ग्लूकोज है, लेकिन इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए ये एज ए बाय प्रोडक्ट, इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है।
तो उसमें देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, रॉबर्ट हिल जो 1937 ने, इन्होंने क्या बताया था कि आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एसेप्टर्स उसकी प्रेजेंस के अंदर जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरह से उसमें वाटर का फोटोलिसिस करता है, प्रकाशिक जल अपघटन करता है। तो हाइड्रोजन एसेप्टर इसके अंदर होना चाहिए। तो ये पानी के मोलिक्यूल को क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, सन की जो एनर्जी है उससे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये डिवाइड कर देता है, और यही ये ऑक्सीजन है जो कि हमारे को हमारे वातावरण के अंदर हमारे को उपलब्ध होती है। अब देखिए, इसमें तेजेन जैगर के अंदर जैसे बताया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं होती हैं जिनको ग्रेना बोलते हैं, और ये ग्रेना की ये ग्रेना लेमिला है जिसको थैलेकोड भी बोला जाता है, और ये ग्रेना आपस में जिससे जुड़े हुए रहते हैं ये स्ट्रोमल लैमिला कहलाती हैं। तो ये ग्रेना ही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये लिखा है स्ट्रोमा लैमिला, ये जो स्ट्रोमा लैमिला है ये PS1 की साइट्स हैं, ये PS1 मतलब फोटोसिस्टम फर्स्ट की साइट्स हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे को तो ऑक्सीजन का उत्पादन देखना है। ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ होता है, इस ग्रेना के अंदर, ये जो ग्रेना दिखाई दे रहे हैं, और ये सैकड़ों ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो देखो ग्रेना लैमिला जिसको लिखा है स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स एंड साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड, PS2। तो ये जो ग्रेना लेमिला है ये हम, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें PS2 जब काम करता है तो कैसे इसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेना के अंदर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड जो चलता है, इस फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर कुछ साइटोक्रोम्स काम करते हैं। एक्चुअल में इनका, इस फोटो सिस्टम सेकेंड का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि ये जो NADP और ATP, यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब कुल मिला के सन लाइट जो आती है उसकी एनर्जी से क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल में जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल का मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, फोटोलिसिस हो जाता है या प्रकाशिक अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही वो ऑक्सीजन है जो कि हमारे को जो वायुमंडल के अंदर मिलती है, ये ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश जो पड़ेगा इसके ऊपर, लाइट पड़ने के बाद में ये फोटोलिसिस होगा, और इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, जिसमें अंततः जाके NADPH2 और ATP वगैरह बनते हैं, ये आगे जाके डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज के निर्माण में काम में आएंगे। तो हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमारा मकसद तो ये है कि ये ऑक्सीजन जो निकल रही है, ये इस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है और कैसे निकल रही है ये ऑक्सीजन। हम जो कह रहे हैं कि पौधों के अंदर 24 घंटे जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो ये क्योंकि ये ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में निकल रही है, लाइट एनर्जी जब इस पे पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे पड़ेगी, फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ेगी, तभी ये पानी का स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो इसमें देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है या लाइट रिएक्शन है, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, उसकी एब्सेंस में नहीं हो सकती है। देखिए लाइट पड़ रही है, इस लाइट जैसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ती है, तो इसमें जो ये पानी का अणु है, इस पानी के अणु को ये मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका वाटर का फोटोलिसिस होगा, जो रॉबर्ट हिल ने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ये जिगजैग मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो इसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इस जिगजैग मूवमेंट के द्वारा लास्ट में रिडक्शन में काम में आता है, या NADPH2 बनाने में काम में आता है। वो हमारे काम का नहीं है, मैं आपको बस इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये जिगजैग मूवमेंट हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, और ये फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर होता है, और ये फोटो सिस्टम सेकेंड तभी होगा जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, और लाइट के बाद में पानी का फोटोलिसिस होगा, तभी ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। और ये जो डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम एक्चुअल में ये थाइलेकोइड का डायग्राम है, थाइलेकोइड या जिसको मैंने ग्रेना लेमिला बोला था, उसकी मेम्ब्रेन जो है ग्रेना की, उस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है या थाइलेकोइड जो है, ये बाहर स्ट्रोमा है और अंदर इसकी थाइलेकोइड की ल्यूमन है, थाइलेकोइड के अंदर जो ल्यूमन होती है उसके अंदर। तो ये थाइलेकोइड पे जैसे ही इसमें लाइट पड़ेगी, पिगमेंट सिस्टम सेकंड इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, ये PS2, और इसके एक्टिवेट होने से ये वाटर का फोटोलिसिस हो जाएगा या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। यही ऑक्सीजन है जो कि हमारे को वातावरण के अंदर, हमारे वातावरण में आती है, और बाकी उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हुआ, ये आगे जेड स्कीम में होता हुआ NADPH में आ जाता है, और ये बाद में डार्क रिएक्शन के अंदर भी काम आएगा, जहाँ ये ग्लूकोज बनाने में काम आएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन निकल रही है वो इस
फोटो सिस्टम सेकेंड में लाइट की प्रेजेंस से ही ये ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये देखिए, इसमें वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन बाई फोटो सिस्टम सेकेंड। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जो होगेंसन और बेबकॉक ने जो 1907 में बताया था कि 2H2O ऑक्सीजन और ये चार हाइड्रोजन और चार इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये रिलीज होते हैं। तो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट फोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टू वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेटिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फोर हाइड्रोजन आयंस। तो ये जो है, ये जनरेटिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि वायुमंडल के अंदर आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कि वाटर इज़ ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। वाटर बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्थाई अणु है ये। और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो पानी से जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन रही है, जो वायुमंडल में आ रही है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एंड द फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज द ओनली नॉन बायोकेमिकल सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस रिएक्शन। तो ये जो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये ही सिर्फ एक ऐसा सिस्टम हमारे नॉन बायोकेमिकल सिस्टम है जो कि इस रिएक्शन को कर पाता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना और वो ऑक्सीजन जो निकलना, ये इतना आसान नहीं है। यही एक सिस्टम है फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसमें ये ऑक्सीजन इस तरह से निकल पाती है। तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफियर। ये क्या कह रहा है कि देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन का जो निकलना है, इवोल्यूशन है, यही सोर्स है ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफियर। पूरी पृथ्वी के वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन जो निकल रही है, उसका एकमात्र सोर्स ये फोटो सिस्टम सेकेंड ही है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो आपके तेजन जैगर की जो बुक, जो कैलिफोर्निया के जो ऑथर्स हैं, जो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उन्हीं के बारे में है। इनका रेफरेंस मैं इसलिए ला रहा हूँ, हालांकि ये आपको इंडियन ऑथर्स में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसी में से निकली हुई हैं। तो इसलिए मेरा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि हम हवा में बात करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उसको सही रेफरेंस के साथ ही यदि हम बात करते हैं, तो उस बात का कोई मतलब भी, मीनिंग भी होता है। तो ये तेजन जैगर के सबसे, जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर, कैसे सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, मैंगनीज क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर हिल रिएक्शन हो रही है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट रहा है। तो इसमें इसको ऑक्सीजन को निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? सनलाइट की। इट मीन्स क्या है कि अगर सनलाइट नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। और ये जो ऑक्सीजन निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? पौधे के अंदर से होती हुई ये स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल के अंदर आएगी। तो किसी भी स्थिति में अगर यदि पौधों पर प्रकाश नहीं पड़ेगा या पौधों पर लाइट नहीं आएगी, तो ये ऑक्सीजन का इसमें से पौधों से निकलना संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। तो ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं है कि पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, ये तो किसी भी तौर पर सही नहीं हो सकता। एक कंडीशन थोड़ी बहुत हो सकती है कि यदि हम आर्टिफिशियल कोई उसी वेवलेंथ की लाइट उस पौधे पर 24 घंटे के लिए हम डालें किसी पौधे पर, तो वो हो सकता है कि वो ऑक्सीजन निकाल दे। लेकिन उसमें भी क्या है, देखिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, सर्केडियन रिदम्स होती हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम का क्या मतलब है? कि हम निश्चित समय पर हम सोते हैं, निश्चित समय पर उठते हैं, निश्चित समय पर हमारे को भूख लगती है, और हमारी जितनी भी शारीरिक क्रियाएँ हैं वो निश्चित समय के अनुसार होती हैं। ऐसे ही पौधों के अंदर भी होता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स और सर्केडियन रिदम पौधों में भी चलती हैं कि उनमें कब प्रकाश संश्लेषण होगा, कब उनमें स्टोमेटा खुलेगा, कब उसमें हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होगा, कब उसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। तो ये सर्केडियन रिदम्स होती हैं। तो यदि हम कोशिश भी करें पौधों का, हम रात को लाइट डाल करके हम कोशिश करें कि इसमें प्रकाश संश्लेषण करवा लें, तो कुछ हद तक हम सफल हो सकते हैं, लेकिन नेचर के आगे हम नेचर बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, वो आप देख ही रहे हो। नेचर ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, एक छोटे से वायरस ने, कोरोना वायरस ने, हम नेचर का मुकाबला नहीं कर सकते। और अभी नेचर के बारे में हम जानते भी कुछ नहीं है, 0.1% हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए अभी तक। नेचर इतनी जटिल है नेचर। तो ये ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि एपिफिटिक पौधे हैं,
या हेमी एपीफिटिक पौधे हैं। पहली बात तो मैं बताऊं कि एपीफिटिक पौधे कौन से होते हैं। एपीफाइट्स किन को कहा जाता है? अधिपादप, हिंदी में बोलते हैं अधिपादप। एपीफाइट्स जनरली वो पौधे होते हैं जैसे घने जंगलों के अंदर छोटे पौधे जो जिनको प्रकाश नहीं मिल पाता, तो वो प्रकाश को लेने के लिए बड़े पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़े पौधे पर कैसे चढ़ जाते हैं? बड़े पौधों की जो क्या कहते हैं शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं के अंदर जो छाल होती है, उस छाल के अंदर कहीं मिट्टी के कण अगर दब जाते हैं तो वहाँ वो अपनी जड़ें लगा लेते हैं और वहीं पे अपना वो पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाते। पैरासिटिक नहीं है वो, ये सिम्बायोटिक है, मतलब वो उसको होस्ट से मतलब मदद ही ले रहे हैं वो और उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो ये पौधे एपीफाइट कहलाते हैं। तो कई लोग इसको हेमी एपीफाइट एपीफाइट बोल रहे हैं कि भाई जो फिग्स हैं, फिग्स वाले जो पौधे हैं, या जैसे बरगद है, पीपल है, या दूसरे जो ऐसे पौधे फाइकस से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं, वो इनिशियली क्या होता है कि वो इन पौधों के ऊपर लगते हैं एपीफाइट की कंडीशन में, तो उस समय इनके अंदर दूसरी मैकेनिज्म चलती है प्रकाश संश्लेषण की, और बाद में जब इनकी जड़ें जमीन में लग जाती है तो इनमें ये स्विच हो जाती हैं इनकी मैकेनिज्म दूसरी फोटोसिंथेसिस की। तो वो उस समय फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म बताते हैं कि कैम मैकेनिज्म चलती है। अब कैम मैकेनिज्म क्या है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म, क्रेसुलेसी फैमिली जिसका मेंबर है क्रेसुला, तो वो एक अल्टरनेट मेथड है इसका फोटोसिंथेसिस का। अल्टरनेट मेथड कैसे? जनरली कैम प्लांट्स वो कैम प्लांट्स वो होते हैं जो डेजर्ट के अंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सकुलेंट्स के बारे में। सकुलेंट्स प्लांट्स कौन से? जो कम पानी की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब उन सकुलेंट प्लांट की मैकेनिज्म अलग क्यों होगी? वो अलग इसलिए होगी क्योंकि उनमें स्टोमेटा दिन में तो बंद रहते हैं और रात को खुले रहते हैं, तो वो दिन में तो प्रकाश संश्लेषण अगर करेंगे तो ऑक्सीजन को निकाल नहीं पाएंगे, तो वो ऑक्सीजन उसके अंदर ही पड़ी रहेगी। और पहली बात, और CO2 का, अब बिना CO2 के वो उसको क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन उनके अंदर हो नहीं पाएगी। डार्क रिएक्शन होने के लिए जो है CO2 की ज़रूरत पड़ती है, CO2 को फिक्स करेंगे डार्क रिएक्शन में, तो ये CO2 फिर वो रात को एब्जॉर्व करते हैं। CO2 रात को एब्जॉर्व करेंगे जब स्टोमेटा खुलेंगे, लेकिन ऐसे पौधों के अंदर जो ऑक्सीजन दिन में बनी थी वो ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं बनती, पहली बात। तो दूसरी बात, वो जो बनती है ऑक्सीजन वो उनके रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। पौधे रेस्पिरेशन भी करते हैं। एक होता है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण से जितनी ऑक्सीजन बन रही है और रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ये दोनों का रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे वही ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो उनके पास सरप्लस होती है। अधिकांश ऑक्सीजन पौधों की उनके रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। पौधों को ऊर्जा भी तो चाहिए। पौधे अपनी विभिन्न जो गतिविधियां करते हैं, उन गतिविधियों के लिए उसमें सेल डिवीजन भी हो रहा है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सब तरह की चीज़ें पौधों के अंदर हो रही हैं। उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऊर्जा पौधे कहाँ से मिलेंगे? वो ऊर्जा उनको श्वसन से मिलेगी, रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस उल्टा होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 को निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जब ली जाएगी तो ये ऑक्सीजन जनरली फोटोसिंथेसिस से निकली हुई ऑक्सीजन ही होती है, और यदि एक्सेस में ऑक्सीजन पौधे बना रहे वो ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। लेकिन सकुलेंट्स के अंदर क्या होता है, कैम्प प्लांट्स के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये इतनी सफिशियंट नहीं होती है, ये उनके साइटोसोल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, और रात को जैसे इनके स्टोमेटा खुलते हैं CO2 इंटैक्ट होता है, तो उस CO2 इंटैक्ट के साथ में ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी काम आ जाती है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो सकता है कि रात को रिलीज होती हो ऐसा, हालांकि बुक्स के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा है कि ऑक्सीजन निकालता हुआ दिखाया जाए। उसके अंदर तो यही बताया गया है कि रात को जो CO2 निकलती है, अब उस CO2 को फिक्स कैसे करें, क्योंकि CO2 को फिक्स करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ATP और NADPH2 जिनको एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं, वो PS1 और PS2 से ही बनता है, फोटो सिस्टम से ही बनता है। तो अब ये फोटो सिस्टम उसके अंदर तो दिन में हो गया, रात को तो फोटो सिस्टम है नहीं, तो ये NADPH2 और ATP, ये इसको फिक्स कैसे करेंगे, केल्विन साइकिल कैसे चलेगी? तो इस साइकिल को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, रात को दिन में तो जो उन्होंने जो ये NADPH2 और ATP जो बन गए, रात को ये CO2 लेके ये CO2 को फॉस्फोइनोल पायरेवेट जो एक इसमें 4 कार्बन का जो होता है वो होता है उसमें 3 कार्बन, वो तो पैप जो है फॉस्फोइनोल पायरेवेट से वो CO2 जुड़ जाती है और एक 4 कार्बन का कंपाउंड उसके अंदर ऑक्सलो एसीटेट बनता है। ऑक्सलो एसीटेट से मैलेट बनता है, ये मैलेट जो है वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट होता है, और ये रात भर के अंदर ये मैलेट बनता जाएगा, और दिन के अंदर ये मैलेट क्या होगा,
अब जैसे ही उसके अंदर दिन के अंदर, रात को तो ये मैलेट बन के पड़ा रहेगा, दिन के अंदर ये मैलेट जो है बाद में केल्विन साइकिल के अंदर जाके CO2 को रिलीज करेगा और उस CO2 से केल्विन साइकिल चलेगी और उसका ग्लूकोज बनेगा उसके अंदर। तो ऑक्सीजन इसके अंदर भी कहीं इतनी मात्रा के अंदर नहीं निकलती है। तो ये कैम जनरली लोग कहते हैं कि हैमिया एपीफाइट है या एपीफिटिक प्लांट है, उसके अंदर जो है कैम साइकिल चलती है और उससे वो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये कोई तर्क नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं है, सिवाय एक मैंने इक्विस्टम के बारे में मैंने बताया था कि उसमें स्टोमेटा हमेशा खुले रहते हैं, अदरवाइज स्टोमेटा बंद होते हैं और बिना लाइट के बिल्कुल भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। रात को लाइट होते नहीं है, रात को प्रकाश नहीं मिलता है सूर्य का, तो वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कहना सर्वथा गलत है कि पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये बात ज़रूर है कि जिन पौधों के अंदर लीफ एरिया ज़्यादा होता है, लीफ का साइज़ भी ज़्यादा हो, लेमिना बड़ा हो और लीफ ज़्यादा हो, ज़्यादा उसकी कैनोपी बहुत बड़ी हो, तो वो नेचुरल है। अगर उसको पूरा पानी मिल रहा है, उसको पूरी लाइट मिल रही है, उसको पूरी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वो करेगा, लेकिन दिन में करेगा, रात को नहीं करेगा। ये कहना भी कुछ मामलों में गलत है। लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए कि भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि ये घने जंगलों के अंदर थोड़ा बहुत सही हो सकता है, जहाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जंगल हैं जहाँ पे थोड़ी सी भी कोई ओपन एटमॉस्फेयर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया है कि रात को जनरली पौधों के अंदर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो CO2 जो है रात को CO2 इतनी मात्रा में CO2 निकाले कि आदमी मर जाए उसके नीचे पड़ा पड़ा, तो ऐसा कोई इतना कोई नुकसान नहीं होता है पेड़ के नीचे। रात को वैसे नहीं सोना चाहिए कि कोई नॉक्चर्नल एनिमल्स हैं जो रात के टाइम में निकलते हैं, कोई छिपकली है या कोई सांप है या कोई और कोई दूसरा एनिमल है, वो आपके ऊपर हो सकता है गिर जाए या वो कोई नुकसान पहुंचा दे। अदरवाइज़ इतना कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं है पेड़ों के नीचे सोना। गाँवों में लोग सोते ही हैं, करते ही हैं, बड़े जंगलों के अंदर जो गांव बसे हुए हैं उनके अंदर भी ऐसे वहाँ बसे भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहना सर्वथा गलत है कि रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और होगा तो बहुत मामूली होगा, उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन निकलने के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, बिना सूर्य के प्रकाश के ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। इसलिए कोई भी पौधा इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे। तो ये देखिए, ये कैम साइकिल के बारे में बताता हूँ। CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म थर्ड, जिसको क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, थर्ड मैकेनिज्म फॉर द कंसंट्रेटिंग CO2 एट द साइट ऑफ रूबिस्को इज फाउंड इन द क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम। तो इस कैम जो है, कैम इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द फैमिली क्रेसुलेसी, जिसके मेम्बर है क्रेसुला, कैलांचे, सीडम। इट इज़ फाउंड इन न्यूमरस एंजियोस्पर्म फैमिलीज, जैसे कैक्टाई है, कैक्टस हैं, जितने भी सकुलेंट्स हैं मैंने बताया था आपको, एंड यूफोरबियासी फैमिली के जो मेम्बर हैं, जिसमें आपके ये अरंड वगैरह आते हैं, यूफोरबिया आता है, और तो आर कैम प्लांट्स एज वेल एज, जैसे पाइनएप्पल है, वनीला है या अगेव है, ये भी कैम प्लांट्स हैं। तो ये कैम मैकेनिज्म जो है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये कैम साइकिल के बारे में है। डार्क का मतलब रात के समय, लाइट का मतलब दिन के समय। तो रात के समय क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होते हैं सकुलेंट प्लांट्स के या कैम प्लांट्स के, तो उसमें क्या होगा कि CO2 का इसमें इंटेक होगा, CO2 इसमें एटमोस्फेरिक CO2 जो इसके अंदर आएगी। ये लीफ है, लीफ की एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है, तो ये CO2 इसके अंदर एंटर करेगी। इस CO2 को जो है PP कार्बोक्सिलेज द्वारा ऑक्सिलो एसिटेट के अंदर जो है इसको फिक्स किया जाएगा, और ये ऑक्सिलो एसिटेट बाद में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मैलेट जो है या मैलिक एसिड है ये वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ये तो रात के समय होता है, दिन के समय क्या होगा, यही जो मैलिक एसिड है ये मैलेट वापस क्या होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाइरुवेट से स्टार्च बन जाएगा, और स्टार्च से ये वापस PP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बदले में ये CO2 निकालता है। ये CO2 केल्विन साइकिल के अंदर जा करके और इसमें स्टार्च का निर्माण करेगी, और ये CO2 जो रिलीज हुई है, अब ये CO2 निकल तो सकती है क्योंकि स्टोमेटा बंद है, तो ये CO2 इसमें केल्विन साइकिल के अंदर काम आ जाती है इसके अंदर। ये CO2 मैलेट से निकली हुई है, ये वही CO2 है जो रात के समय में फिक्स की गई थी। तो दिन के समय ये क्रिया होती है इसके अंदर। ऑक्सीजन का निष्कासन इसके अंदर कहीं नहीं दिखाया गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर जो होती है वो इसके रेस्पिरेशन में काम आ जाती है, इतनी ऑक्सीजन नहीं बनती है इसके अंदर।
और अगर थोड़ी बहुत बनती भी होगी तो वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो सकता है एक्सेस में, अगर बन रही है तो वो हो सकता है इसमें निकल जाए, अदरवाइज कैम प्लांट्स के अंदर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रही है कहीं पर। तो ये कहना कतई उचित नहीं है कि कैम प्लांट जो है या जो हेमी एपिफिटिक है या एपिफिटिक प्लांट है वो रात के समय ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 को लेते हैं। तो CO2 का इंटेक तो होता है क्योंकि स्टोमेटा रात को खुले हैं और दिन में बंद है, लेकिन ऑक्सीजन का इवोल्यूशन इसके अंदर इतना नहीं होता है। ये देखिए बुकनन ग्रुसम जॉन्स जो है इनकी जो बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर ये क्या बताया जा रहा है, ये देखिए इसमें ये कैम मेटाबॉलिज्म जो है ये इसके बारे में क्या बता रहे हैं, ये कि कैम प्लांट्स जो है कॉमनली एसोसिएटेड विद बट नॉट एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू द प्लांट्स दैट इनहिबिट एक्सट्रीमली एरिड एनवायरनमेंट, मतलब जो भी एरिड एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये हो रहा है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल एपिफिटिक प्लांट्स सब्जेक्ट टू एरेटिक वाटर सप्लाईज सच एज ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के अंदर ये बहुत कॉमन है जहाँ पर पानी की सप्लाई कम है। ऑर्किड्स और जनरली ऑर्किड्स एपिफिटिक होते हैं, एपिफिटिक का मैंने आपको बताया था, दूसरे प्लांट्स के ऊपर लगते हैं। द बेस्ट नोन मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर द सकुलेंट्स इंक्लूडिंग कैक्टाई एंड सम कमर्शियली सिग्निफिकेंट प्लांट्स सच एज पाइनएप्पल एंड अगेव। तो ये पाइनएप्पल अगेव और जो कैक्टस वगैरह हैं उनके अंदर ये कैम मैकन जो CO2 फिक्सेशन की जो मैकेनिज्म है वो इनके अंदर ये कैम मैकन होती है, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर भी मैं आपको इसके अंदर ये दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर भी बुकनन भी क्या कह रहे हैं, ये देखिए कैम कैम साइकिल है ये, जिसमें नाइट के अंदर जिसमें नाइट में जो है ये डार्क दिखा रखा है, नाइट के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर के CO2 है उसको वैक्यूल के अंदर मैलेट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है पीपी के द्वारा, और ये मैलेट दिन में क्या होगा डे के अंदर ये मैलेट रिड्यूस होकर के पाइरुवेट और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये CO2 जो है इस केल्विन साइकिल के अंदर काम में ली जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन का इवोल्यूशन इसमें कहीं हो रहा हो वो इसमें कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, और पूरे आप कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं ये मानता हूँ क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होगा इसके अंदर, और पर लाइट से इसके अंदर जो लाइट रिएक्शन होगी उस लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगी, वो ऑक्सीजन इसके साइटोसोल में हो सकता होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन इसके रेस्पिरेशन में भी काम में आ जाती है। तो ये ऑक्सीजन तभी रिलीज होती है जब आप ऑक्सीजन की मात्रा उसकी नीड से ज़्यादा हो, अगर नीड से ज़्यादा ऑक्सीजन है तभी रिलीज़ हो पाएगी। तो ये देखिए लास्ट में ये बुकनन की बुक में क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस पीएस सेकंड जो फोटोसिस्टम सेकंड है ऑक्सीडाइजेज वाटर, वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा प्रोड्यूसिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन, ये मोलिकुलर ऑक्सीजन बनाएगा। दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑक्सीजन required for aerobic life on our planet, ये पूरे अपने planet के अंदर जो है aerobic life को चलाने के लिए जो oxygen चाहिए planet पर वो इस PS second के द्वारा ही आती है, और कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अब ये जो मैंने अभी आपके सामने explain किया कि बुकनन और तेज बुक के अंदर आपको मैंने दिखाया कि कैसे ऑक्सीजन पौधे जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो ये बात तय है कि ऑक्सीजन के उत्पादन होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं होगी। और कैम मेटाबॉलिज्म के अंदर इतनी ऑक्सीजन दोनों बुक्स मैंने आपको दिखा दी उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि इसके अंदर कहीं ऑक्सीजन का निष्कासन भी इसमें दिखाया गया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगा दिन के अंदर, चाहे स्टोमेटा बंद है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होगी पीएस सेकंड चलेगा तो वो जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन इनके रेस्पिरेशन में काम आ जाती है, वो ऑक्सीजन हमेशा एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन निकलती है। दूसरे प्लांट्स के अंदर भी जो बड़े प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म अपने जो डाइकोट्स हैं या जो अपने जिनकी नॉर्मल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं वही ऑक्सीजन निकलती है जो उनकी एक्सेस ऑक्सीजन होती है, एक्सेस में जो ऑक्सीजन होती है क्योंकि रेस्पिरेशन उनमें भी होता है, रेस्पिरेशन में काम में आने के बाद में CO2 कंपनसेशन के बाद में यदि यूनिट नहीं है एक यूनिट से ज़्यादा है CO2 कंपनसेशन तो वो ऑक्सीजन उसमें काम में आ जाएगी, वो ऑक्सीजन हमारे को वायुमंडल में मिलती है। तो ऐसा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पौधा नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। और लेकिन फिर भी हमारी ये मान्यता है
कि हम पौधों को इसलिए रेस्पेक्टफुल मानते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, अभी इस समय ऑक्सीजन का इतना क्राइसिस है और इसका कारण हम खुद भी हैं क्योंकि हमने अपने वातावरण का, एनवायरनमेंट को इतना डिस्ट्रक्शन किया है, उसका इतना नुकसान पहुँचाया है कि ऑक्सीजन की मात्रा डे बाई डे कम होती जा रही है। पौधों की संख्या, जंगल के जंगल हमने काट दिए, ख़त्म कर दिए। ओवरऑल ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है बढ़ती जा रही है, 0.3% वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन 22% 23% ऑक्सीजन है, जो कि 20% रह गई है। अब तो ऑक्सीजन डे बाई डे कम होती जा रही है। 72% नाइट्रोजन होती थी, जो आजकल कहते हैं कि 80% के आसपास नाइट्रोजन है एटमोसफियर के अंदर। तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हमें करना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपको इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर या आप मेरे को इसमें फीडबैक आप दे सकते हैं। नमस्कार।